नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 17 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो प्रस्तावित है, जिसको लेकर प्रशासन और भाजपा के आला नेताओं ने बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक के रोड शो का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि 17 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा प्रस्तावित है, जिसमें वह VRTS पर बनने वाले एलिवेटेड ब्रिज का भूमि पूजन करेंगे। इंदौर के लिए यातायात के लिहाज से यह बड़ी सौगात होगी। साथ ही मुख्यमंत्री का रोड शो होगा, जिसका रूट बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक प्रस्तावित है। उसी की तैयारी को लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और भाजपा नेताओं ने पूरे मार्ग का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर भ्रमण प्रस्तावित है और जनाभार यात्रा है। इसके साथ साथ जो एलिवेटेड कॉरिडोर है उसका भूमि पूजन किया जाएगा। इससे तो सभी अधिकारियों प्रतिनिधियों के साथ में दौरा किया गया है, सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। चाहे सुरक्षा की दृष्टि से बात हो या व्यवस्थाओं की दृष्टि से बात हो, सभी को निर्देशित किया गया है और बहुत ही अच्छे इंतजाम सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ उपयोगिता के साथ कराए जाएंगे। देखिये, जन आभार यात्रा है और इसके साथ साथ एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन राजवाड़ा पर है और इसके अलावा माहिल्या का जो माल्यार्पण होगा उनकी प्रतिमा पर ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री 17 तारीख को इंदौर आ रहे हैं और जनता का जो एक जन अभिनंदन, लोगों का जो एक मन है कि अपने मुख्यमंत्री का अभिनंदन करें, उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी गणेश मंदिर पे, बड़ा गणपति मंदिर पे पूजन करके माँ अहिल्या देवी प्रतिमा पे माल्यार्पण करके इंदौर को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर जो कई वर्षों से जो पेंडिंग था, माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन उसका भी उद्घाटन करेंगे और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक क्षेत्र के लोग, व्यवसायी, व्यापारी, खेल और शिक्षा से जुड़े लोग सब उनका अभिवादन करना चाहते हैं। उसी को लेके एक बार देखा गया था कि कैसे कहाँ मंच लगेंगे, कहाँ स्वागत होगा और कैसे माननीय मुख्यमंत्री का रोड शो। जिस तरह से आज इलेक्शन किया था, क्या कुछ मंच कहाँ पे, क्या कुछ तैयारियाँ रहेंगी? मुझे लगता है कि इंदौर का जैसा स्वभाव, एक भव्य दिव्य स्वागत अपने मुख्यमंत्री का करने के लिए इंदौर तैयार है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।